बरेली के भोजीपुरा कार सवार कुछ अज्ञात लोगों पर एक स्कूल के पास से तीन सगी बहनों के अपहरण की कोशिश का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इस बीच बच्चों को अनजान व्यक्तियों द्वारा कार में ले जाने पर वहां से गुजर रही महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद अपहरणकर्ता बरेली की तरफ कार लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने घटना को फर्जी करार दिया है। बताया जा रहा है कि भोजीपुरा क्षेत्र के नैनीताल रोड पर अभयपुर में रहने वाले नबी शेख की बेटियां 9 वर्षीय अनम, 8 साल की सवीना और 7 वर्षीय नाविया को रोज की तरह तैयार कर उनकी मां ने मॉडल प्राइमरी स्कूल भेजा था। इस बीच सुबह करीब 7 बजे तीनों बहनें स्कूल गेट पर खड़ी थी, तभी अचानक लाल रंग की कार से तीन लोग आए, जिनमें से दो लोगों ने कार से उतरकर तीनों बहनों के अपहरण का प्रयास किया और कार में बैठाने की कोशिश की। इतने पर गांव की एक महिला ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। शोर होता देख कार सवार बच्चों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। अपहरण की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने इस घटना का खंडन किया है। एसएसपी ने कहा कि बच्चे स्कूल से बाहर ना निकले, इसलिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। कृपया अफवाहों में ना आए, इससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एसएसपी ने बताया कि बरेली पुलिस इस घटना का पूरी तरह से खंडन करती है। बच्चों के पेरेंट्स को भी इस बाबत हिदायत दी गई है। बरेली पुलिस थाना स्तर पर पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है कि इस तरह की अफवाहों में ना आए। वहीं सीओ चमन सिंह चावड़ा ने इस मामले को संदिग्ध बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अफवाह फैली थी कि स्कूल से बच्चे गायब हो रहे हैं, इसी का डर बच्चों में बैठाने के लिए अफवाह फैलाई गई है। वहीं बच्चों के बयानों में काफी अंतर और विरोधाभास है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये कह रही है, हमने पड़ोस में सुना और तो कह रही है कि बच्चे पकड़ लिए, बच्चा हम बताएंगे हमारे बच्चे में क्या हुआ। फिर आगे बच्चे क्या बता रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं पकड़ रहे थे वो। कौन? गाड़ी वाले। फिर क्या हुआ गाड़ी वाले, क्या हुआ? कहा पता वो किधर गाड़ी चली गई। हमारे विद्यालय में ये मामला है। मेरे विद्यालय का समय 8 से 2 है और मैं 7:30 बजे लगभग आ गया था स्कूल में। ये 7:30 से 7 और 7:30 बजे के बीच की घटना है। जब मैंने आया तो मुझे पता चला कि कोई गाड़ी आई थी यहाँ पर, कुछ बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैंने पड़ोस में डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर मैंने 8 बजे प्रेयर कराई बच्चों को, फिर प्रेयर कराने के बाद मुझे पता चला क्लास 2 में एक लड़की लगातार रोए जा रही है। तो मैंने उस बच्ची से पूछा तो उसने कहा सर हमें उठाने आए थे और उसे बुखार भी आ गया। तो मैंने पूरी जानकारी ली, जब उससे लड़की से जानकारी ली उसके साथ क्या घटना घटी है, फिर मैंने 112 पर कॉल किया, फिर पुलिस आई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या नाम था सर उन बच्चियों का? उन बच्चियों का नाम अनम था, नाविया नाम है और एक का नाम साबिया है। कौन सी क्लास में? क्लास 2 में ही बच्चे हैं लगभग। क्या बच्चियाँ थी सर उस समय बाहर? उस समय यही तीनों लड़कियाँ बता रही कि हम ही तीनों थे और गाँव की एक महिला ने इनको बचा लिया है, ये बता रही हैं लड़कियाँ। जांच की गई है, जांच में ये बताते हैं कि परसों कोई अफवाह उड़ी थी, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 14 से कोई बच्चे गायब हो गए हैं, इसकी भी जांच की गई, वहाँ से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे शेयर की होगी ये बात, स्कूल में समझाया होगा बच्चों को, तो बच्चों के मन में ये लगता है कि ऐसा डर रहा होगा, जिस कारण आज ये एक सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस आई और जाँच की, बच्चों से बात की, लेकिन उसमें बहुत भिन्नता है, पुष्टि नहीं हो पा रही। ये अभी कोई कार के बारे में सुना था, कार है कोई, इसमें बच्चे बिठा ले गए थे? हाँ, बच्चों से बात हुई है, बच्चों के जो बयान है उनमें भिन्नता है। एक बच्चा ब्लैक बता रहा है, एक बता रहा है कि थाने स्कूल के गेट से ही बच्चों को उठाया, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा ये अफवाह उड़ाई गई। ये पूर्णतया झूठी खबर है, इसका पूर्णतया बरेली पुलिस खंडन करती है। इस प्रकार की अफवाह कोई ना फैलाए, इससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है और इस तरह की सूचनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में एक पैनिक क्रिएट होता है। आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि इस तरह की अफवाहों का पूर्णतया खंडन करें, कभी भी इसके ट्रैप में ना आएं। उनको हिदायत दी गई है कि आगे से कभी भी इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। उन्होंने बच्चों के मन में यह भय पैदा करने के लिए कि बच्चे स्कूल से बाहर ना निकलें, इस तरह की बात की है, उनको प्रॉपर हिदायत की गई है और बताया गया है। पेरेंट्स के साथ भी हम थाना स्तर पर मीटिंग करके बता रहे हैं कि इस तरह की अफवाहों के चक्कर में ना आएं। किसी भी तरह की ऐसी घटना होती है सीधे आप पुलिस को संपर्क करें, लेकिन इस तरह की किसी अफवाह में ना आए।